चलिए हाय दोस्तों, आपके लिए अनदर वीडियो लेके आया हूँ। आज का जो ट्रेडिंग सेशन था 1 नवंबर का, 1 नवंबर का, तो आज के ट्रेडिंग सेशन में देखे तो यहाँ पे मैंने आज यहाँ पे कुछ ऐसा बड़ा प्रॉफिट तो अर्न नहीं किया, लेकिन मैंने जो लॉस हुआ था वो रिकवर करके यहाँ पे अगर देखे एट द एंड ऑफ द डे 492 रुपीज़ पे यहाँ पे मैंने अपना प्रॉफिट क्लोज कर दिया। और यहाँ पे देखे तो ब्रोकरेज के हिसाब से 400 रुपीज़ जाएंगे। अगर आज के डे में देखे तो अपन ट्रेडिंग सेशन में यहाँ पे कोई प्रॉफिट नहीं है, ब्रेक इवन पे अपन यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर लॉजिक अगर देखे तो जो मैं 39,500 का जो सी था तो उसमें कहाँ पे एंट्री लिया वो आपको एक बार बता देता हूँ, लॉजिक वगैरह आपको बता देता हूँ किस तरह से अपन ने ट्रेड लिया, क्या लॉजिक वगैरह था। तो यहाँ पे अगर देखे तो यहाँ पे 5 मिनट का कैंडलस्टिक आपको लगा के दिखा देता हूँ। यहाँ पे अगर देखे तो 5 मिनट का जो कैंडलस्टिक था तो सबसे बड़ा मेरा ट्रेड तो ये अच्छा वाला था। तो यहाँ पे नज़र बना करके जो 300 का लेवल था, यहाँ पे अगर देखे तो 300 का जो लेवल था इसको मैं मार्क करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखे तो 300 का जो लेवल था, लर्निंग वीडियो आपके लिए, 300 के लेवल के यहाँ पे जैसे उसने कट किया जैसे कि 130 120, अगर मेरा ऑर्डर बुक भी देखे तो ऑर्डर बुक में आपको दिखा देता हूँ मैंने कहाँ पे लिया 1250। अगर 1250 अगर देखे तो यहाँ पे 1250 यहाँ पे इस यहाँ पे जो अगर है वो नीचे की तरफ जब आया उसके बाद जो रिट्रेसमेंट किया तो यहाँ पे मैंने उसको लिया। यहाँ पे एक रेंज बना होता और इस रेंज को जैसे कि बना मैंने जो स्टॉप लॉस लगाया जो 280 के नीचे स्टॉप लॉस लगाया था। अगर यहाँ पे देखे जो तो एक अच्छा सा मोमेंटम और जिस तरह से इसने ब्रेकआउट दिया था उसके बाद मैंने होल्ड किया और अच्छा सा मोमेंटम ऊपर की तरफ हुआ तो मैंने जो उसको निकाल दिया 379 पे निकाल दिया। लेकिन उसने जो मोमेंटम किया देख सकते हैं अच्छा सा मोमेंटम हुआ। यहाँ पे जो मूवमेंट आया यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग मोमेंटम आया। अगर बैंक निफ्टी अगर 5 मिनट के चार्ट पे भी देखे तो यहाँ पे देख सकते हैं जैसे उसने 480 का लेवल ब्रेक किया या फिर 1150 जैसे कि याद से देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एरो लगाया तो यहाँ पे मैंने लॉन्ग करने की कोशिश की। यहाँ पे लॉन्ग किया जैसे कि स्विंग हाई ब्रेक किया जैसे कि 430 का, उसके बाद जो रेजिस्टेंस ब्रेक किया तो अच्छा सा मोमेंटम ऊपर की तरफ आया। उसके बाद में अगर देखें तो अगर उसके बाद में यहाँ पे जो 300 500 के पुट में ओनली यहाँ पे और 4000 यहाँ पे 39,000 के पुट में यहाँ पे मेरे को लॉस हुआ। तो एक बार देख लेते 39,300 का जो पुट था वहाँ पे अगर देखें तो मॉर्निंग में अगर देखें तो वहाँ पे मेरे को लॉस कहाँ पे हुआ अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे मॉर्निंग में लेता 382 के यहाँ पे लेता 382 के लेते यहाँ पे 320 का मेरा एसएल हिट हो गया क्योंकि 927 यहाँ पे मॉर्निंग में देखे तो यहाँ पे आज ही मॉर्निंग में अगर देखे तो यहाँ पे यहीं पे अगर मॉर्निंग में देखे तो यहीं पे मैंने ऊपर की तरफ यहाँ पे एंट्री और नीचे की तरफ जैसे आया तो मेरा एसएल हिट हुआ। तो कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। उसकी वजह से फर्स्ट ट्रेड मेरा एसएल हिट हुआ, उसके बाद में मैं एक दो ट्रेड लिया वो थोड़ा रिकवर हुआ और सबसे ज़्यादा रिकवर यहाँ पे 39,500 के कॉल में। यहाँ पे मैं होल्ड करना चाहता था, एक अच्छा सा शॉर्ट कवरिंग मूवमेंट आया था बैंक निफ्टी में यहाँ पे होता था मेरे को होल्ड करना चाहता, लेकिन मॉर्निंग में मैंने अच्छा सा लॉस किया था। लॉस को रिकवर करके मैं यहाँ पे प्रॉफिट में आया तो मैंने यहाँ पे जो मेरा प्रॉफिट सॉरी लॉस तो रिकवर करके यहाँ पे सिस्टम को क्लोज कर दिया। तो चलिए इसी तरह से आज का ट्रेड किया और आज के ट्रेडिंग सेशन में अगर देखें तो यहाँ पे नॉर्मली 400 रुपीज़ यहाँ पे अपने प्रॉफिट बुक कर लिया है। तो यहाँ पे अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको टेलीग्राम चैनल पर भी मैंने अपडेट दिया था, जिन लोगों ने अब तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया था जाकर मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, ताकि वहाँ पे मैंने आपको अपडेट किया था कि आज किस तरह से मतलब कौन से मोमेंटम रहेगा और आपको बोला था 39,550 का अगर निकलता है तो यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन आप जा सकते हैं। तो जिन लोगों ने यहाँ पे ट्रेड लिया होगा तो उनको अच्छा सा मोमेंटम मिला होगा। चलिए थैंक यू।